हाय गाइस, सो अभी मैं जाऊंगी थोड़ा बाहर क्योंकि मुझे लाना है कुछ सामान मेरे घर के लिए। इग्नोर दिस पिंपल पिंपल, बहुत ख़राब हालत हुआ है कुछ दिन से ना, ऐसा वक्त भी नहीं मिल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। शायद फ़ैन चल रहा है तो आपको थोड़ा बहुत साउंड आ रहा होगा। तो मैंने पहना है ये वाला एक सिंपल सा एक टी शर्ट और पैलाजो एक। तो अभी मैं जल्दी जल्दी जाऊँगी क्योंकि मुझे डीप कंडीशनिंग करना है कल, तो इसके लिए मुझे कुछ कुछ लाना है। मेरा बाल का भी हालत ख़राब हो पड़ा है यहाँ पर आकर, मतलब ठीक ठाक हो रहा है कभी कभी, लेकिन भी ज़्यादातर ख़राब ही हो रहा है। तो इसीलिए मुझे कुछ कुछ चीज़ें लाना है, जैसे आज सोच रही खाना बनाऊँगी, अपने खुद के हाथ का खाना खाऊँगी बहुत दिनों के बाद। तो अभी वही सारा सब कुछ लाने मुझे जाना है। तो पता नहीं मैं ये फ़ोन लेकर जाऊँगी या नहीं, लेकर ही जाऊँगी क्योंकि आपको दिखाना भी तो है यहाँ का मार्केट कैसा है। तो मेरे घर के 1 किलोमीटर की दूरी पे ही एक मार्केट है, मैं वहीं पे जाने वाली थी, लेकिन मेरा पहली बार था तो मुझे एक्चुअली में कुछ पता नहीं था। बाद में जब ये वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ तब तक मुझे पता चल गया है, लेकिन जब हम पहली बार जाते हैं हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ एक होता है, और वैसे एक्सपेक्टेशन अगर नहीं होता है तो थोड़ा निराश होते हैं ना। ठीक मेरे साथ भी वैसे ही हुआ, मुझे वहाँ पर जाकर उतना कुछ मिला नहीं है, और मैं जाते जाते अंधेरा भी हो गया था इसलिए मैं शूट भी नहीं कर पाई। अभी मैं निकल रही हूँ और मैं अभी रास्ते में बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको दिखाऊँगी ज़रूर कि मैंने क्या क्या कहाँ कहाँ मैं गई। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम ही होगा यहाँ का मार्केट में, तो चलो देखते हैं कि क्या क्या मिलता है हमें यहाँ पर। और फेस का भी केयर करना है, बहुत ख़राब हालत हो पड़ा है, तो चलो जाते हैं। तो यही है मेरे घर के सामने का रोड, जिस रोड के बारे में मैं आपको बता रही थी, और मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ आते जाते रहते हैं और रास्ता काफ़ी नैरो है यहाँ पे। मेरे घर से निकलते ही इतने बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, देखिए। आप यहाँ का रोड देख सकते हैं, वाकई काफ़ी क्लीन है। और एक बात और एक है, यहाँ का ना घर बहुत सुंदर सुंदर होता है, मतलब पूरा प्लान्ड है। तो मैं कढ़ाई खरीदने गई थी तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसका ले लिया है, ये देखिए। तो थोड़ी देर पहले आई हूँ और अभी बना रही हूँ मैं चाय। अभी वक्त हो रहा है 6:30 आई गेस। थोड़ा देर आके लेटी हुई थी, बाहर जाने से इतना ज़्यादा गर्मी लगता है ना, और मुझे एक्चुअली उतना वॉकिंग का आदत नहीं है, तो यहाँ पर बहुत चलना पड़ता है तो एक तरफ से वो अच्छा है कि आप अगर चलते हो तो आप फिट होते हो, लेकिन मुझे इतना आदत नहीं है ना, तो होता है दिक्कत इसीलिए। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लाया है। तो मैंने लाया था एक डब्बा, ये 20 रुपया का है, मैं फ्रूट्स ले जाऊँगी ऑफिस में इसलिए। ये मैंने एक लीड लाया है, लीड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है एक्चुअली। दो चम्मच, एक दूधदानी और एक कढ़ाई, ये 160 रुपीज़ का कढ़ाई है, और चावल। तो ये देखिए, ये वाला कढ़ाई लाया है, ये वाला चम्मच खुंती जिसको कहते हैं, और इसका लीड का क्वालिटी सच में काफ़ी अच्छा है, और ये इसका ढक्कन। तो आज से मैं खाना बनाऊंगी, और 2 चम्मच ही मैंने बस लाया है, मैं ज़्यादा इसमें घर पे मैं बर्तन नहीं बनाना चाहती हूँ। अभी तो मैं बना रही हूँ चाय और मैंने मोमोज लाया है, तो मैं सोच रही हूँ रात को आज मोमोज खा लूँगी मैं, और कुछ नहीं खाऊँगी। तो यही मेरा प्लान है आज का, देखूँगी अगर मुझे भूख लग जाता है तो रात को एक मैं एग खा लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी एक एग है, मैंने बॉईल करके रखा है उसको। मैं पीऊँगी चाय और मोमोज अभी नहीं खाऊँगी, शायद भूख लगने से खा लूँगी, तो वही मेरा आज रात का डिनर होगा। मुझे एक्चुअली कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है एक्चुअली में रात हो जाने से बहुत अलोन फील होता है, और वही अभी लग रहा है। गाइस हाय, और मैं बहुत चप्पू चप्पू लग रही हूँ ना क्योंकि मैंने बाल को थोड़ा सा वॉश किया है। यहाँ पे आने के बाद भी मेरा बाल सेट नहीं हो रहा है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा बाल नया वेदर में जाने से थोड़ा दिन लेता है ठीक होने के लिए, तो उसी का इंतज़ार है कि कब ये ठीक होगा। उसके बीच में मैं रिफ़्रेश कर रही हूँ, और डीप कंडीशनिंग भी मैं सही से नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे एक हैंड ब्लेंडर लेना है क्योंकि मुझे मैश, केला मैश वो सब करने के लिए। अदरवाइज़ मैंने लगाया है, मैंने दही और उसके साथ एलोवेरा जेल मिक्स करके लगाया है, बाज़ार से लाया हुआ एलोवेरा जेल। ये भी डीप कंडीशनर है, लेकिन मुझे ज़्यादातर
बनाना, एग और नहीं तो एवोकेडो, वो सब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मुझे एवोकेडो तो नहीं मिला था, तो इसीलिए मैंने दही और एलोवेरा से कर लिया था एंड रिज़ल्ट ठीक ठाक आए थे, लेकिन होल्ड नहीं हुआ था कर्ल बहुत दिन तक, तो इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया है। आज है थर्सडे, मतलब आज है 24th of October। मैं यहाँ पे टाइम देख रही थी इस फ़ोन पे, ये इस फ़ोन से मैं पहले शूट कर रही थी, देखिए इस फ़ोन का हालत। तो आज अभी मतलब वक्त हो रहा है 8:22 और मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ। मैं ऑफिस का आपको बात बिल्कुल भी नहीं करी, एक्चुअली मेरा ऑफिस घर से अराउंड 3 किलोमीटर दूर है और मैं इसी वक्त पे निकलती हूँ। मेरा टाइमिंग जो है ये है 9 to 6 और अभी मैं पी रही हूँ दूध। मैं कभी भी दूध नहीं पीती हूँ, ये देखिए मैं अभी दूध पी रही हूँ क्योंकि मुझे चाय बनाने का मन नहीं कर रहा है और कल शायद मैं बैंगलोर के लिए निकल जाऊँ, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, मतलब दूध इसीलिए मुझे ख़त्म करना है, इसीलिए मैं दूध पी रही हूँ और कुछ नहीं। और नहीं तो मैं ब्रेकफास्ट तो ऑफिस जाके ही करती हूँ, तो मैं अभी निकल जाऊंगी ऑफिस के लिए और उसके बाद आने के बाद थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग का आज मुझे काम करना ही है, क्योंकि जब से मैं ऑफिस ज्वाइन करी हूँ मैं यूट्यूब पे उतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैं 9 आवर्स तक तो ऑफिस में ही देती हूँ, उसके बाद मुझे मतलब थोड़ा सा टायर्डनेस भी आ जाता है। लेकिन मैं स्टिल कोशिश करूँगी, मुझे एक रूटीन बनाना है कि कब मैं यूट्यूब को टाइम दे पाऊँगी, उसके साथ मुझे खुद को भी टाइम देना है क्योंकि मैं फेस केयर, हेयर केयर ये सब भी नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी सही से, तो मुझे एक रूटीन चाहिए। ये बैंगलोर से आने के बाद मेरा फुल एक रूटीन हो जाएगा क्योंकि बैंगलोर में मुझे कुछ सामान लेने जाना है, मेरा जो कुछ लगेज है वो सारा कुछ लेने जाना है, मतलब छोटा मोटा ही लाऊंगी, सब कुछ नहीं लाऊंगी बैंगलोर से, और उसके बाद यहाँ पे भी रूटीन एक सेट करना है। तो आज मतलब थर्सडे है, उसके बाद फ्राइडे और उसके बाद बैंगलोर जाऊँगी, तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि जो भी बोलिए घर तो घर है, तो मतलब वो बैंगलोर का घर मुझे घर लगता है और यहाँ पे मुझे घर नहीं लगा है अब तक, लेकिन लगेगा शायद, ये भी धीरे धीरे घर लग जाएगा, अभी तक मुझे नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पे मैं मतलब कंप्लीट अकेली हूँ, मेरे कोई भी फ्रेंड्स कोई भी यहाँ पे नहीं है, सो इसीलिए मुझे ज़्यादा और भी मतलब बुरा लगता है। तो यही बात है। और कोची में ना नॉर्थ इंडियन मुझे अभी तक ज़्यादा नहीं दिखे कि मैं यहाँ पे नॉर्थ इंडियन मेस से कुछ खाना मंगा पाऊँ, मैं इसीलिए रूम अलग से ली हूँ ताकि मैं खाना बना पाऊँ, मतलब मैं खुद बनाऊँ, क्योंकि मैं साउथ इंडियन खाना और नहीं खा पा रही हूँ, मतलब वो ना मुझे एक दिन ही अच्छा लगता है और सेकंड दिन मुझे और अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, मैं अभी ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ और उसके बाद आने के बाद मैं बात करूँगी। बाय बाय।